प्रेमीपेक 0.125 टैबलेट जो कि बनाई जाती है सन फार्मास्यूटिका इंडस्ट्रियल प्राइमेट डुमर के द्वारा। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर एक ही कंटेंट डाला गया है जो कि पैरामीपक्सोल डाला गया है। और ये क्या करती है कि ये 10 टैबलेट का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 53 रहता है। कंटेंट इसके अंदर प्रामीपेक्सोल डाईहाइड्रोक्लोराइड टैबलेट रहता है जो कि 0.125 mg में इसको डाला गया है। तो ये टैबलेट क्या करती है कि ये जो यूज़ होती है पार्किंसन डिसीज़ के लिए यूज़ होती है और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट्स साइड इफेक्ट कैसे यूज़ होता है ड्रग कैसे काम करेगा सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है डोज इसका कौन सा रहता है और इसका डोज मिस हो जाए तो नेक्स्ट डे कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपकी इस प्रेमीपेक्स 0.125 mg टैबलेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा इंट्रो के बाद। तो प्रेमीपेक 0.125 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है सन फार्मास्यूटिका इंडस्ट्रियल प्राइमेट लिमिटेड के लिए। कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया है प्रेमीपेक्सोल हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर रहता है जो कि 0.125 mg रहता है। इसको स्टोरेज रूम टेम्परेचर के ऊपर ही करना पड़ता है और 53 रुपये का पूरा स्ट्रिप आता है जिसके अंदर 10 टैबलेट रहती है। तो ये टैबलेट क्या काम करती है कि पार्किंसन डिसीज का ये ट्रीटमेंट करती है और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम रहता है उसका ये ट्रीटमेंट करती है। तो ये क्या करती है कि ये ट्रीट करती है एक्सेसिव शेकिंग का और स्लो डाउन कर देती है बॉडी के मूवमेंट को। तो इस टैबलेट को लिया जाता है डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोलते हैं उतना ही लिया जाता है और ये यूजर्स केवल पार्किंसन डिसीज और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में यूज़ होती है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा ले रहे हो डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो कंटिन्यूसली लिए जा रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि नींद कम आ सकता है आपको, नोजिया हो सकता है, मुंह सूखा सूखा हो सकता है आपको और पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। तो एडिमा मतलब सूजन वगैरह भी हो सकता है। तो इसको कैसे लेने का कि इसका डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका टैबलेट को पूरा ले और फिक्स टाइम फिक्स डोज रखे ताकि बेटर एफिकेसी मिलेगा। तो ये टैबलेट काम कैसे करती है तो इसकी टैबलेट का मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर प्रेमीपेक्सोल डाईहाइड्रोक्लोराइड टैबलेट रहती है जो कि क्या कर देती है कि बढ़ा देती है डोपामाइन के एक्शंस को और केमिकल मैसेंजर भेजती है जिससे क्या होता है कि कंट्रोल होता है मूवमेंट ब्रेन तक, जिससे क्या होता है आपको पार्किंसन डिसीज और रेस्टलेस लेग का डिसीज ठीक हो जाता है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हो वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।